मसानी रोग क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे इसे इससे बचा जा सकता है और आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव डाल सकता है, आज बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। देखिए, मसानी क्रिया बहुत ही भयानक क्रिया होती है। जिस घर में जिस व्यक्ति के ऊपर ये करा दी जाती है उसका शरीर सूखता चला जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां उनके घर में उनके शरीर में देखने को मिलेंगी, उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है जिस घर में मसानी क्रिया छोड़ी जाती है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही उग्र रूप की देवी है और इसको गलत रूप में भेजा जाता है तांत्रिकों द्वारा। तरह तरह के भोग देकर, मुर्गे कटड़े बकरे मतलब तामसिक चीज़ों पर चला करके, मदिरा पिला करके तब इसको भेजा जाता है किसी के घरों में और उस घर का तो ये सर्वनाश ही कर देती हैं जिस घर पर छोड़ी जाती हैं। क्योंकि तांत्रिक वचनों में इनको बांध करके रखते हैं और तांत्रिक की ये सारी चीज़ें, सारी मनोकामनाएँ, सारी बातें मानती हैं जब चलती हैं, क्योंकि मरघट से इनको पूजा जाता है, मरघट से इनकी शक्तियों को तांत्रिक लेते हैं और तब इनको किसी के घर पर भेजते हैं। अगर आपके कोई दुश्मन है तो तांत्रिक के पास जाएंगे, आपका नाम पता, आपके घर के देवता, कुल देवता के, इष्ट देव के बारे में उनको बताएंगे, वो फिर आपके नाम से, आपके मम्मी पापा के नाम से आपके इष्ट देव को बांधेगा और आपके घर के देवता पितरों को बांध के साइड खड़ा कर देंगे और तब ये आपके घर में एंटर करती है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं रुकती। और जो आपके घर के देवता पितर होते हैं वो सात्विक भोग पर जब चलते हैं तो वे जब आपके घर पर मसानी क्रिया भेजी जाएगी तामसिक चीज़ों पर चला करके तो वो आपके घर से साइड खड़ा हो जाएंगे, आपकी वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो भी कुछ करेगी मसानी क्रिया आपके घर पर जो आएगी वो करेगी। और अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि अगर आपके घर पर मसानी क्रिया भेजी जाए तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। देखिए, सबसे पहला लक्षण, अगर आपके घर पर मसानी क्रिया भेजी गई है तो आपके घर में अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बहुत ही गंदी स्मेल आपके घर में आना शुरू हो जाएगी, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर मसानी क्रिया भेजी गई है उसके शरीर से आपको बहुत बदबू आना शुरू हो जाएगी, वो गंदा रहना शुरू कर देगा, नहाए नहाए उसको बहुत दिन हो जाएंगे, गंदे वस्त्र वो पहनने लगेगा, गंदे गंदे कार्य वो करने लगेगा, जैसे दारू पीना, स्मोकिंग करना, तामसिक चीज़ों का सेवन करना, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही आपके घर पर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगेगा, इतनी ज़्यादा मनमुटाव आपके घर पर रहने लगेंगे जिससे आपका मन अशांत होकर के कभी कभी तो ऐसा मन करेगा कि मर जाएं या फिर इस घर को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आपके घर पर मसानी क्रिया भेजी गई है। जिस व्यक्ति के ऊपर मसानी क्रिया छोड़ी जाती है उसका शरीर सूखता चला जाता है, उसको कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा, या तो वो व्यक्ति कुछ खाएगा पिएगा ही नहीं, बिल्कुल भूखा रहना वो पसंद करेगा, बिल्कुल भी वो कुछ नहीं खाएगा पिएगा, या फिर अगर वो खाएगा बहुत ही ज़्यादा मीठा वो खाएगा और जितना भी वो खा ले, जितना भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें खा ले, लेकिन वो सूखता चला जाएगा, बिल्कुल उसकी उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला निर्बल हो जाएगा, बीमारियां उसके शरीर में तरह तरह की हो जाएंगी। या फिर अगर आपके घर पर छोड़ी गई है, पूरे घर पर छोड़ी गई है, तो आपके घर में हर एक व्यक्ति को बीमारियाँ रहना शुरू हो जाएंगी, रोगों से आपका घर भर जाएगा और आपके घर में रुपये पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, व्यापार ठप हो जाएंगे, पैसे आने का जो साधन था वो भी चौपट हो जाएगा, आपके घर से बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, घर में जो बरकत अच्छे से रहती थी खान पान में, रुपये पैसे में, बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आपके घर पर किसी ने मसानी क्रिया भेज दी है। जिस घर में मसानी क्रिया छोड़ी जाती है उस घर में मौतें होना शुरू हो जाती है, कभी किसी की मौत हो गई, कभी किसी की मौत हो गई, अगर घर में पशु है उनके भी मौत होना शुरू हो जाती हैं, गाय भैंस दूध देना बंद कर देती हैं, तरह तरह की उनके अंदर भी बीमारियाँ आ जाती हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है जिस घर में मसानी क्रिया छोड़ी जाती है,
और अब इससे बचने के उपाय मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। देखिए, जिस घर में मशानी की क्रिया हो गई है या फिर कोई तंत्र क्रिया हो गई है, आपके दुश्मनों ने तांत्रिक से जाकर के कोई आपके घर पर तंत्र क्रिया करा दी है, मशानी क्रिया करा दी है, इससे बचने का छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपके घर पर तंत्र क्रिया छोड़ी गई है, मशानी क्रिया छोड़ी गई है। आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, उसमें आपको 7 तरह की मिठाइयाँ रखनी है, 7 उसमें आपको पतासे रखने हैं, 7 लौंग रखनी है, 7 इलायची रखनी है और 7 लड्डू आपको उसमें रखने हैं और 1 नारियल और 1 चुन्नी आपको उसमें रखनी है। 7 तरह का नाज उसमें आपको रखना है, जिसको सतनजा बोलते हैं, उसमें चावल, उड़द की दाल, सारी दालें आती हैं, चावल आते हैं, सब तरह का आता है। सतनजा मार्केट से मिल जाता है, अगर आप जाएंगे लेने तो सतनजा आपको सारी चीज़ें एक हांडी में रख के आपको उसके ऊपर काला कपड़ा बांध करके पूरे घर में आपको घुमाना है। पहले तो बांधना बाद में है, पूरे घर में उसको घुमाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, तंत्र क्रिया है, उसके ऊपर 7 बार आपको उतारना है, जैसे सुई की घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से, और फिर आपको पूरे घर में उसको घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको माता काली के मंदिर में या फिर भैरव बाबा के मंदिर में या फिर चौराहे पर आपको रख के आना है और रात के समय इस कार्य को आपको करना है। 8 से 8 बजे के बाद में इस कार्य को आपको करना है और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है और सीधा अपने घर चले आना है। घर आने से पहले आपको अपने हाथ पैर अच्छे से धो लेने हैं। बाहर ही आप एक बाल्टी रखवा करके जाएं, पहले ही आप अच्छे से आके अपने हाथ पैर धो करके अपने कपड़े बदल करके तब आप अपने घर में एंटर करें। इस कार्य को अगर आप करेंगे, आपको पहले दिन में ही उस व्यक्ति के ऊपर आपको आराम देखने को मिलेगा। उसको अगर नींद नहीं आती थी तो अच्छा, उस रात वो बहुत ही अच्छी नींद से सोएगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी आपके घर पर नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं इस उपाय को, और अगर इस उपाय को करने से आपके घर में आराम लगेगा तो 7 शनिवार इस कार्य को आपको करना है। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते तो आप किसी दरबार, किसी चौकी से जुड़ करके उनकी हेल्प लेकर के आप अपने घर का इलाज करवा सकते हैं।